एक तरफ अपनी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना भेदभाव के देश के अंदर हर तबके के लोगों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य किया। लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। इसके लिए वह जातीय जनगणना को आधार बना रहे हैं। 65 वर्षों तक शासन किए एससी एसटी ओबीसी और अन्य जातियों को इन्होंने उनका अधिकार नहीं दिया। कांग्रेस की मंशा और एनडीए गठबंधन का मंशा है अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना। मित्रों, एनडीए गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की जो घोषणा पत्र हैं, घोषणा पत्र के विभिन्न प्रावधानों के खतरनाक इरादों की तरफ ही ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हम सब जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जनता जनार्दन का ध्यान और खास तौर पर इन मुद्दों को लेकर के, एक तरफ 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश को गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी नहीं हट पाई क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं थे। उनके 19 सूत्री 20 सूत्री कार्यक्रम बनते थे लेकिन वे फाइलों तक कैद होकर के रह जाते थे। शासन स्तर पर अगर किसी गरीब के लिए योजना का लाभ भी देने की बात होती थी तो वह कमीशनखोरी की भेंट चढ़ जाती थी। योजना का लाभ चेहरा देख करके देने की जो प्रवृत्ति कांग्रेस ने उस समय प्रदान की थी, कमोवेश वही स्थिति हम लोगों को यूपीए सरकार के सामने और विभत्स रूप में देखने को मिला। आज का जो कांग्रेस एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए सहयोगी दलों के जो घोषणा पत्र जारी हुए हैं, उस घोषणा पत्र को देख करके हम कह सकते हैं, एक तरफ अपनी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना भेदभाव के देश के अंदर हर तबके के लोगों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य किया और 10 वर्ष में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से उभार करके उन्हें खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाने में मदद की। और दूसरी तरफ कोई भी इस प्रकार के प्रमाण कांग्रेस या उसके सहयोगी दल नहीं दे सकते कि जिन्होंने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, आखिर इतने लंबे समय तक शासन करके 65 वर्षों से अधिक समय तक देश के अंदर शासन करने के बावजूद उनका पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस पर आधारित क्यों नहीं बन पाया था, क्यों इनकी योजनाएं पिक एंड चूज की थी, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देने का कार्य क्यों, और खासतौर पर अब दादी के दिए गए नारे को पोते के द्वारा किस प्रकार से तोता रटंत की जा रही है कि हम एक झटके में गरीबी हटाएंगे, और गरीबी कैसे हटाएंगे इसका अगर आपको उनके घोषणा पत्र में देखना हो तो यह खतरनाक इरादा भी है और हास्यास्पद भी है। वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। यानी पहले देश के संसाधनों पर लूटपाट, याद करिए यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारा कहना है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चार जातियों की बात की, गरीब है, किसान है, युवा है और महिला है। इसमें किसी जाति की बात नहीं की है, किसी मत और मजहब की बात नहीं की है। जो गरीब है उसको शासन का हिस्सा मिलना चाहिए, युवा है उसकी आजीविका की व्यवस्था होनी चाहिए,
महिला है उसके स्वावलंबन के लिए कार्य किए जाने चाहिए। अन्नदाता किसान वह किसी भी जाति मत मजहब वर्ग का है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी जहां इसकी बात करती है वहीं कांग्रेस कहां से प्रारंभ कर रही है, वह संपत्ति का सर्वे करवाएगी, संपत्ति का सर्वे करके फिर उसका बंदरबांट करेगी। यानी अपनी पुरानी उस प्रवृत्ति में कहां लेके जा रहे हैं कि पहला अधिकार किसका है, और फिर वहीं से उनकी शुरुआत हो रही है। इसके लिए वह जातीय जनगणना को आधार बना रहे हैं। 65 वर्षों तक शासन किए एससी एसटी ओबीसी और अन्य जातियों को इन्होंने उनका अधिकार नहीं दिया, उससे उन्हें वंचित किया। और याद करिए 2004 से 2014 के बीच के कांग्रेस के शासनकाल को, जब उन्होंने उस समय लक्षित हिंसा विधेयक लाने का कुत्सित प्रयास किया था, बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को उछलने के लिए, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए एक कुत्सित प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के कारण वह उस विधेयक को पास नहीं कर पाए थे। भारत के प्रति इनकी मानसिकता क्या है, और इसके बाद इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डाल करके उनके आरक्षण में भी किस प्रकार से घुसपैठ करने का प्रयास किया था, इसके लिए रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो पहले सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, बाद में कांग्रेस के सांसद बने, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की सिफारिश कांग्रेस की मंशा के अनुरूप देश के अंदर लागू करने के कुत्सित प्रयास हुए थे, जिसमें एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण के अधिकार को जबरन कुछ वर्ग विशेष को देने के कुत्सित प्रयास इन्होंने उस समय प्रारंभ किए थे। और फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी दलितों के, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में घुसपैठ करके एक हिस्सा इसको भी मुस्लिम वर्ग को जबरन देने के कुत्सित प्रयास किए गए थे, जिसका उस समय भारी विरोध हुआ था। यानी कांग्रेस की मंशा क्या है, कांग्रेस की मंशा और इंडिया गठबंधन का मंशा है अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना, और इसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं, इसके लिए जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इसके आधार पर समाज को, पहले जातीय जनगणना के आधार पर बहुसंख्यक समाज को आपस सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे, आपस में विभाजित करेंगे, और फिर उसके बाद उनके आरक्षण के अधिकार में जबरन उसका बंदरबांट करने का काम भी इनके द्वारा करने का प्रयास होने जा रहा है। और यह एक खतरनाक इरादा इनके द्वारा अपने इस जो है घोषणा पत्र में इनके द्वारा करने का कुत्सित प्रयास प्रारंभ हुआ है।